आर्गन पाइप पे क्वेश्चन था। कहता है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव इज 330 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है आपको। फॉर ए पर्टिकुलर साउंड वेव इन एयर पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, डेल्टा फाई आपको दिया हुआ है 40, पाथ डिफरेंस फेज पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस को हम डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर, दिस इज द पाथ डिफरेंस। साउंड वेव इज एयर, स्पीड जो है वो 330 मीटर पर सेकेंड आपको पहले से दी हुई है। पर्टिकुलर साउंड वेव डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट टू फेज डिफरेंस, डेल्टा फाई भी दिया हुआ है 0.16 पाई, तो फिर पूछ क्या रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वेव। अब जो वेव है वेव उसकी फ्रीक्वेंसी पूछी जा रही है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकाला जाए यार। फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका स्पीड मल्टीप्लाइड बाई वेव लेंथ। अगर मुझे स्पीड दिया हुआ 330 और फ्रीक्वेंसी चाहिए, अगर लैम्डा पता चल जाए इस वेव का तो हमें बेहतर तरीके से फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। तो लैम्डा पता कर लेते हैं, तो आप ये एक रिलेशन पढ़े होंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, 2π लैम्डा और मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। डेल्टा फाई दिया हुआ 0.16π और यह आ जाएगा 2π और यहाँ से लैम्डा, तो यहाँ से जो लैम्डा आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई ये 0.4, तो अब इसको सॉल्व कर लो पाई ने पाई को, और जो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी वो 2 और 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 पॉइंट ने पॉइंट को, और ए आ जाएगा ये 4 टाइम्स कट गया 2, मतलब ये आ जाएगा 1/2, मतलब ये आ जाएगा 0.5, दिस इज द लैम्डा। अब लैम्डा 0.5 आ गया, तो स्पीड 330 है, तो 330 स्पीड 0.5 दैट इज फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2, मतलब 660 हर्ट्ज, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। सी ऑप्शन सही है। तो प्यारे बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट मी। वेव के बारे में मैंने बहुत सारे पढ़ाई की है, बहुत सारी चीजें, जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस किया हूं, अगर पहले ये सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, जो नहीं होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, एनर्जेटिक रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।